छोटी सी एक कहानी बताता हूं, छोटी सी। भीष्म पितामह के गुरु थे गुरु परशुराम जी। बड़ी प्यार से सुनना आराम से, और जहां मैं समझाना चाह रहा हूं तुम उस चीज को जरूर समझना आज। तो भीष्म के गुरु थे परशुराम जी, और एक विवाद हुआ था अंबा अंबिका और अंबाली को लेके। तो उसमें गुरु परशुराम जी ने और आदेश दिया था भीष्म को युद्ध करने का, यानी लड़ाई जो है वो भगवान परशुराम और भीष्म के मध्य थी। तो युद्ध करने से पहले और हथियार रख के भीष्म आए गुरु परशुराम जी के पास और युद्ध की इजाजत ली। बोले आप मेरे गुरु हो, युद्ध आपसे है, फिर भी मैं इजाजत लेता हूं। अर्जुन का युद्ध हो रहा था अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से, उन्हें हराना भी था, अपने ही गुरु से युद्ध हो रहा था, और फिर भी अर्जुन ने पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और फिर युद्ध प्रारंभ किया। अब आप कहोगे सर ये बातें हमें क्यों बता रहे हो, ये तो हमने पढ़ी है बहुत बार। हमारे राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है ये, संविधान का सबसे बड़ा पद, भारत के प्रथम नागरिक। और जब इनके गुरु कहीं दिखे होंगे इनको और जाके गुरु के पांव लग गए, हो सकता है हम इनके जैसे गुरु नहीं रहे होंगे, हमें जो शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दे पाए होंगे, हो सकता है। लेकिन हम गुरु अच्छे नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, आप शिष्य तो अच्छे बनो। बात हो रही है पिछली बार राजस्थान पुलिस और इस बार एसआई, इस बार एसआई के पेपर में यह हो रहा है कि घोटाला हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि यूट्यूबर और कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं दे रहे। तो मुद्दा यह है कि तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे भाई, वो कारण क्या है तुम्हारा साथ नहीं देने का। पिछली बार राजस्थान पुलिस में हमने साथ नहीं दिया, किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया, आपका क्यों नहीं दिया, कभी इस रीजन को जानने की कोशिश की आपने? चलो उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूं और फिर इस मुद्दे पे मैं चर्चा करता हूं। आराम से सुनिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, आराम से एक एक बात को सुनना। फेसबुक की तो बात अलग छोड़ता हूं, ट्विटर की बात करता हूं। अभी जब एसआई का मुद्दा चल रहा है, किसी ने मेरे को मेंशन किया, मैं दो चार ही फोटो ले पाया। ये कोई भाई साहब होंगे, सभी के लिए बोल रहे हैं, कोचिंग वाले यूट्यूब पर मुजरा दिखाने डेली आ जाते हैं, लेकिन मुजरा हम मुजरा दिखाते हैं, बधाई हो आपने कभी हमें आरे ऊपर पैसे नहीं फेंके यार मुजरे की, क्या बात है। लेकिन अब ऐसा ही एग्जाम में घोटाला हो गया, फिर भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं, जब आपकी ये दुकानें बंद होगी तब पता लगेगा, कुछ तो शर्म करो। और इन्होंने उत्कर्ष क्लासेज, वो कुमार गौरव और सुभाष जान तीनों को क्या करते हैं कर रखा है, ठीक। शायद पेपर लीक संगठन में कोचिंग संस्थाओं की जबान भी पैसों से बंद कर देंगे, कोई भाई साहब होंगे, और इसलिए ये ट्विटर पर किया गया है। इसलिए कोई भी दुकानदार, तीन नाम दे दिए, निर्मल जी, कुमार गौरव और ये वो अक्षय गौर सर, सुभाष सर, अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण बेरोजगारों की आवाज नहीं उठा रहे, ठीक है जी। पैसे किसने दिए यार, पैसे नहीं मिले, समस्या ये, कोई बात नहीं, पैसे तो दे कोई, चलो कोई बात नहीं, और चर्चा करते हैं। कुछ तो शर्म करो राक्षसो, अब तुम्हें क्या लगता है, अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो कमेंट ही पढ़ा रहा हूं, कुछ ही कमेंट, फेसबुक को तो अलग छोड़ दो, क्या ये शिष्य है? तुम्हें क्या लगता है, हम गुरु अच्छे नहीं बन पाए, तुम शिष्य अच्छे क्यों नहीं बन पाए? तुम अपने अंदर तो झांक के देखो, कुछ तो शर्म करो राक्षसो, नवयुवकों के साथ बड़ा धोखा, मर जाओ कहीं डूब कर। और इनका नाम लिया है डोटासरा जी का, गहलोत जी का, फिर इसमें कईयों को ट्वीट किया जिसमें एक मेरा ही भी नाम है, इन राक्षसों की श्रेणियों में एक हमारा भी नाम है, चलो कोई बात नहीं, चलता है, अपने ही है, विद्यार्थी है। फिर ये सब अपना बिजनेस चलाते हैं, ये कहते हैं छात्र किसी के नहीं होते, लेकिन अब ये भी सिद्ध हो गए कोचिंग वाले भी किसी के नहीं होते, बहुत बढ़िया, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सम्मानीय व्यक्ति है, कोई नाम मिटा दिया था, अच्छा नहीं लगता। फिर ये कह रहे हैं ऐसा ही पेपर लीक हुआ है, उस पर आप कब बोलोगे, या फिर कोचिंग कराने और ऑनलाइन कोर्स बेचने तक ही आप लोगों का काम है? बिल्कुल इनकी बात भी जायज है, चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। ये भी कोई महाशय होंगे, हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो ये कोचिंग वाले हैं, अभी तक एक भी कोचिंग वाले ने ये नहीं कहा है कि ऐसा एग्जाम में गड़बड़ घोटाला हुआ है। अच्छा ठीक है, ये तो सिर्फ यूट्यूब पर आकर कोर्स बुक बेच रहे हैं, कोई सेमिनार के लिए गोली दे रहा है, घटिया सोच को सलाम, जिसमें कुमार सर है उत्कर्ष क्लासेज और एक सुभाष सारण सर है आपके, ठीक है, और भी होंगे, मैंने कब मिली। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है? ये तो सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है आपको, फेसबुक को तो अलग छोड़ो, फेसबुक का भी जिक्र करूंगा, आपको क्या लगता है ये सब पढ़ के कोई विद्यार्थी, कोई कोचिंग वाला आपके साथ आएगा?
क्योंकि पढ़ने वाला आप मेरी जगह होते ये सोचते ये क्या है, नालायक है, ये पढ़ने वाले हो ही नहीं सकते, इनके 40-40% बन रहे इसलिए एसआई को रद्द करवा रहे होंगे। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी नहीं आते। पिछली बार राजस्थान पुलिस, हमने कहा कि इतने के लमसम हो जाएगा आप दौड़ की, पता है क्या कमेंट किया, हमारे जूते तुड़वा दिए, ये तुड़वा दिए, वो तुड़वा दिए, ये बिल से निकल के आ गए, अपने कोर्स बेचने के लिए आ गए, हमारे ऐसे पुलिस का मुद्दा नहीं उठा रहे। अरे भाई तुम गालियां दोगे तो कोई यूट्यूबर और कोई कोचिंग वाला कैसे आएगा, तुम अपने घर बुलाने के लिए इनको गालियां दे के बुला रहे हो। अरे प्रेम से बुला के तो देखो, अरे भगवान कृष्ण कर्मा जाट के खिचड़ा खाने के लिए आ गए थे यार, प्रेम से बुलाया, हम क्या है, हम तुम्हारे लिए जान हथेली पे लेके आ जाएंगे, तुमने प्रेम से बुलाया ही कब है हमें, जो तुम दोष दे रहे हो कोचिंग वालों को। 2019 से पहले की जयपुर के प्रत्येक जितने भी आंदोलन में उसमें प्रत्येक कोचिंग वालों ने अपने स्टूडेंट भेजे, लेकिन इस बार क्यों नहीं भेज रहे। अरे तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे इनके लिए, तुम्हें कैसे भेज देंगे। क्या तुमने कभी, तुम उदाहरण देते हो, बोल हरियाणा के टीचर जो है ना वो स्टूडेंटों के साथ आए, पेपर रद्द करवा दिया, बिल्कुल, लेकिन हरियाणा के जैसे स्टूडेंट भी तो बन के देखो यार। मैं गया हूं हरियाणा, हरियाणा के यूट्यूबरों से मिलता हूं, मैं गया हूं, वो कितनी इज्जत करते हैं, उनके जैसे बन के देखो आप। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ने भीष्म विभीषण को कुंभकर्ण समझा रहा था, बोले यार कुछ तो सीखते तुम राम से, लक्ष्मण से। लक्ष्मण अपने भाई के लिए वन में आ गया, और वो एक तुम हो जो अपने भाई को छोड़कर और अब मुसीबत में छोड़ के यहां आ गए। तब विभीषण ने कहा था कि लक्ष्मण है लेकिन उसके जैसा राम जैसा भाई भी तो चाहिए लक्ष्मण बनने के लिए, और एक मेरा भाई है रावण। तो हरियाणा में अगर टीचर साथ आए तो उनके जैसे स्टूडेंट तो बन के देखो। यूट्यूब पे इतनी मेहनत, फेसबुक की पोस्टों को बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, एक भी ग्रुप में ये रिक्वेस्ट नहीं देखी मैंने कि सर आइए हमारा सहयोग कीजिए, नहीं, सब में गालियां ही बक रही हैं ऐसे कैसे। एक यूट्यूबर 12 महीने मेहनत करता है, हो सकता है उसके 2% न आए एग्जाम में, जरूरी थोड़ी आए, और उसको गालियां देना शुरू कर दे तो यार। सो खुलूस बातों में सब कर्म है ख्यालों में, जरा वफा कम है मेरे शहर के लोगों में। तुमने यार एक गुरु को एक मिनट में बेवफा कह दिया, एक साल की मेहनत, कोई 5 बजे उठ के तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई रात को 10 बजे तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई 12 बजे, और तुमने एक झटके में कह दिया कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है ऐसे शब्दों को, ये तो उदाहरण दिया है, फेसबुक को कमेंट अगर मैं यहां ले आऊं तो आप कहोगे ये सब नहीं है, कुछ नालायकों की वजह से और सारे स्टूडेंटों की इज्जत खराब हो रही है। बेरोजगार अध्यक्ष पीछे आंदोलन किया, उनपे केस हो गया, किसी ने तो पोस्ट नहीं डाली, तुम कहां चले गए भैया, उनपे केस हो गया, आप उनके साथ खड़े तो नहीं रहे। तुम्हें तो मुद्दा ये नहीं है कि ऐसा ही, हाँ ऐसा ही में गड़बड़ हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि तो होनी चाहिए। 2010 या 12 की मुझे ध्यान में है, सेकेंड ग्रेड का पेपर था, और सेकेंड ग्रेड के पेपर के बाद में और आधे घंटे पहले मीडिया ने सेकेंड ग्रेड का पेपर कलेक्टर को प्रोवाइड करवा दिया था, फिर भी आरपीएससी ने पता है क्या स्टेटमेंट दिया, बोल पेपर आउट नहीं हुआ। तो अभी तक तो आरपीएससी से तो एक बार जवाब तो मांगो, भी आरपीएससी से ये जवाब तो मांगो कि भाई आप बोलिए कुछ कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था, फिर उस पर जांच बैठेगी। उसके बाद में आपने, हमने डिसाइड कर दिया कि पेपर आउट हुआ, हमारे डिसाइड करने से नहीं होता। तुम कहते हो नहीं जी, जो ऐसा ही जांच बैठती है वो भी नहीं के, तो भाई किसको बिठाएं, पहले ये तो कंफर्म हो कि पेपर आउट हुआ है। फिर बेरोजगार अध्यक्ष, अगर आप क्या, अब बताओ बेरोजगार अध्यक्षों, मैंने खुद बेरोजगार अध्यक्षों के खिलाफ पोस्टें देखी है फेसबुक, ये तो पैसे खा रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, यार तुम्हारे साथ कैसे देगा कोई जब तुम इनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। सरकार से टकराना बच्चों का खेल नहीं होता, तुम सिर्फ बैठे हो, कहावत है गांव में, लांडिए कुत्ता को लाए में के बड़े, लेकिन उनसे पूछो जो सरकार से टकराते हैं बेरोजगार अध्यक्ष, उनपे कितने केस दर्ज है, एक बार उनसे कॉल करके पूछो तुम।